दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। इकोनॉमी जो है वो एक्सीड कर गई यूके को भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये बड़ी अच्छी साइन है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए कि अगर दुनिया उनसे ट्रेड करना चाह रही है। वो ये है कि इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल इट्स ट्रेड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन इंडियन रुपीस। लेकिन शायद इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा कि 35 कंट्रीज एट ए टाइम इंडिया की करेंसी पे, अमेरिका को छोड़ के इंडिया पे आ जाए। अमेरिका की आने नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो आ भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके, लेकिन वो टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में नहीं पॉसिबल होने वाला। और मेरा वजीर आजम पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। मैं एक दफा इंडिया गया हूँ और वो 2005 में गया था। अच्छा। तो तब हमने उनको अपने 100 दिए थे तो हमें उनके 125 मिले थे, तो हमारी करेंसी अप थी तब। उनके लिए मसला कोई नहीं है, लेकिन देखे ना बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है। मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है यार। हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा। ये इस दौर पे आके ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई की यूएई की। अब इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि फिलहाल यूएई दौरे पर हैं, आपको बुर्ज खलीफा का जो सीन है वो तो पता ही होगा कि उनके स्वागत के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जो बुर्ज खलीफा जो कि आपको पता ही है कि विश्व की सबसे ऊँची इमारत है, एक उस पर हमारा तिरंगा झंडा और मोदी जी की फोटो मतलब उस पर लगाया गया, मतलब उसे बहुत ही रात में चकाचौंध कर दिया गया और ये वीडियो भी वायरल हो रही। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो इस तरीके से कुछ यूएई ने मोदी जी के स्वागत में किया। अब यूएई जो आपका है वो हमारे जो भारतीय रुपया है उसमें ट्रेड करना चाहता है। अब तक ऐसा होता था कि जो रुपये, यानी कि अगर हमें यूएई से कुछ खरीदना होता था तो पहले हमें अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना होता था, फिर जब जाके हम वहाँ से कुछ खरीद सकते थे। लेकिन अब यूएई ने यूएई के साथ एक जो है एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें कि अब यूएई और भारत के बीच में, और हालांकि और भी बहुत से देशों के बीच में ऐसा चल रहा है, अब डॉलर की बजाय आपके उसमें रुपए में जो है ट्रेडिंग होगी, रुपए में हम सामान ले बेच सकते हैं यूएई से। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, कहीं ना कहीं डॉलर को मात देने वाली बात है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटल इट्स ट्रेड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन इंडियन रुपीस। और मेरा वजीर आजम पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। और ट्रस्ट मी, आई मेट एन इमाराती फ्यू वीक्स अगो और वो दे हैव ऑलवेज, द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और द अदर। तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है, लेकिन देखे ना बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई की यूएई की। अब इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी, अब इंडिया इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पर या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे।
लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन स्टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स स्टॉक बिजनेस, हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो है कि तुसी है खचा मारन रहे हो इधर उधर करन रहे हो, लेट्स स्टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई अबू धाबी कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है, हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती, ना पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पी ए की फ़्लाइट कैनेडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन, हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता, और एमिरेट्स कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें, रस्ते सामने तो खिलौना होता है साढ़ा तो स्टॉप स्टॉप है, हमें तो पता है जो है ना इंडियंस का, इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे लेकिन बहुत सारी सारी बात है दे हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स तो वो डायरेक्ट जाते होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से, पुणे से, मुंबई, इधर उधर से, तो उनको शायद इसलिए रुकना पड़ता है बिकॉज आप इंडिया इन्हें अरब एयरपोर्ट्स पे जाएं तो सारे आपको इंडियंस या पाकिस्तानी या देसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। बट एनी हाउ अब ये होता है ना कि मोदी साहब वापसी पर रुके और ना यार मैं थोड़ा जा इन्होंने नाल जो ये जो ठीक है जी ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स एंड पेमेंट्स है ये एक एग्रीमेंट से साइन कर दूँ, उसका नाम है आई थिंक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है जी। मैंने आपको पहले कहा बिगेस्ट ऑयल थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, कंज्यूमर है, यूएई के साथ $85 बिलियन की ट्रेड है, वो कह रहे थे 2030 में इसको $100 अरब पर लेके जाना है, 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर जाना, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसने ये कहा है कि जो इंडिया के दो सेंट्रल बैंक हैं वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएई इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है इनको आपस में लिंक करेंगे, दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस एमएन दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। सो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि एक दिन के लिए वो शेख मोहम्मद बिन जैद से मिले हैं लेकिन उससे पीछे उन्होंने पूरी जिसे कहते हैं ना अपनी इस्टेब्लिशमेंट नो ध्यान लाया ऐ करो ओ करो ये करो वो करो, अब ये चीज़ें तो पता चलती है ना कि क्या है, ठीक है। अब इंडिया यूएई की भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है जी, और ये आप इमेजिन करें ये सिर्फ इधर नहीं है, ये एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, इधर उधर लटरम पटरम बहुत सारी जगहों में जो है वो पार्टनरशिप है, और यूएई के पास प्रेसिडेंसी है उसकी COP28 की और इंडिया के पास G28 की। अब ये जो से वो कहते हैं ना इंडिया ने क्या किया है, हमारे उधर कहते हैं कि जो है ना वो एक्टिविटी दिखाती है, इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने G20 में कुछ ममालिक को स्पेशल इन्वाइट ही कर लिया, ठीक है। इंडिया के पास ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मोदी साहब के पास ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब होता क्या है कि अब आपने इनको स्पेशल इन्विटेशन भेज दी है, अच्छा जब स्पेशल इन्विटेशन भेजे उसमें ठीक है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द G20 लेकिन स्पेशल इन्वाइट कर लिया, मैं मेरे घर रोटी पकी है तो मैं भावें 10 बंदे सदा या 20-25 बंदे सदा किसी ने की इतराज है, तो उन्होंने कहा 20 तो आने ही आने हैं, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, सो एंड सो नाल को 15 यार भी साथ लो, उनको बताओ कि हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात है और इनको ये बताओ कि देखो मैंने आपको G20 में किया है, मैं तो साढ़े पंजाबी कहते हैं सान चढ़ाना, ठीक है जी, ऐ लो सान चढ़ाता है जनाब, ठीक है जी। सो ये जैसे मोदी साहब करते हैं, हमारे मोदी साहब हमारी जो लोकल जो सिस्टम है उसको बड़े अच्छे से जानते हैं, सान चढ़ा देते हैं, एक ही करते हैं हर जो है क्या नाम है 26 जनवरी को सान चढ़ाता है किसी एक लीडर के, मोहम्मद बिन जैद पर भी चढ़ाया हुआ है, एमनुअल मैक्रॉन पर भी चढ़ाया था, ओबामा में भी चढ़ाया था, इजिप्ट वाले में भी चढ़ा दिया और पता नहीं कितने सारे हैं, मुझे ब्राज़ील वाले पे चढ़ा दिया, ठीक है जी।
इस तरह के मतलब जारी बात है, मोदी साहब के टेन्योर में 10 आए हैं, तो 9-8 तो पहले शायद 1-2 साल तो उनको नहीं समझ आई होगी, वो भी पता नहीं सांस चढ़ाए होंगे। 10 बंदियां 10 लीडर से सांस चढ़ाता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट है, जो भी कोई विचार है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।